हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना पापड़। ये पापड़ तो कोई भी बना सकता है। ये साबूदाना को मैं खिलाया था वही हमारे बच्चों के लिए, तो हमने साबूदाना पापड़ बनाए थे। और साबूदाना को साबूदाना बच्चों के बाउल, तो उसमें हमने दो तीन बाउल, तीन से चार बाउल पानी, मतलब घर जीरे को डिपेंडली, देखा होगा आपने पूरा, वो देखिए। ये हम डाल रहे हैं जीरे, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये पापड़ में डलता ही है, बहुत ही मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है जीरे पापड़ में, तो कोई भी पापड़ में तो हमें जीरे अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत अच्छी डालती हूँ। ये हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे साबूदाना के पापड़ में कोई मिर्ची तो नहीं डालते, बट सिंपल ही रहने देते हैं। ये सांभर नमक फास्ट के से बना रही हूँ, कुछ लोग बिना उसके भी खा लेते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो हमारा मिर्ची और ये धनिया है, ये बिना टेस्ट के बना रहे हैं। कुछ लोग देखो वाइट और साबूदाना पापड़ बनाते हैं, कुछ लोग साबूदाना पापड़ बनाते हैं, बहुत ही टेस्ट के अकॉर्डिंग बना। मैंने ये सांभर नमक मेरे को कुछ कम लगा था तो मैंने वो कर दिया। और आप देखते जाएंगे तो वीडियो स्किप मत करना और इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे और ये पका लेंगे प्रॉपर। और ये देखेंगे आधा मतलब गाढ़ा हो गया है हमारा घोल, मतलब लगातार आपको चलाते ही जाना है। ये देखिए धीरे धीरे करके मैं चेक कर रही हूँ, गाढ़ा हो रहा है, मिक्स हो रहा है बहुत अच्छे से, एक एक दाना फूल गया है। और आगे भी आप देखेंगे कि हमारी रेसिपी आपके तैयार हो गई है। ये देखिए साबूदाना पूरा पक गया है और देखिए हमारी साबूदाना तैयार है। और हमको मिट्टी के दर से 15 मिनट लगे थे, और आप भी बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग टेस्टी रहती है। ट्राई कीजिए अगर आपको हमारी, तो देखिए हमने अपनी जो हमारी फल थी स्वीट थी, यानी कि पनीर जिसको कह सकते हैं, तो आप छोटे बड़े जिस अकॉर्डिंग से आप बनाना चाहें तो वैसा बना सकते हैं। हम और इसको ग्रीस कर चुके थे पनीर में, हमने थोड़ा बड़े बड़े बनाए थे, छोटे बड़े चल सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जैसा ही बनाना है। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए थे। जब सूखेंगे हमारे पापड़ तो आप देखिएगा, मैं दिखाऊँगी जरूर आपको जरूर प्रॉपर तरीके से कि कैसे बने थे हमारे पापड़। और ये देखिए छोटे बड़े, कोई वो नहीं है कि आप ज़्यादा छोटे नहीं बना सकते या ज़्यादा नहीं बड़े बना सकते, बहुत ही बन के तैयार होते। ये देखिए हमारे पूरे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं, कितने बढ़िया दिख रहे हैं हमारे पापड़। और जैसे कि आपको जो पसंद है, जैसे आलू पापड़, आलू के पापड़ ही बनते हैं मिक्स करके, प्रॉपर आलू के पापड़ बनते हैं, साबूदाना पापड़ ही बनते हैं। और ये देखिए जैसे कि मैंने पनीर बिछा कर बहुत अच्छे से पापड़ तैयार किए थे, पूरी वीडियो देखिए आप सभी, स्किप मत कीजिए। और गाइस आप कमेंट में बताइए कहाँ से देख रहे हैं, किस लोकेशन से देख रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और हमको बताएंगे कहाँ से देख रहे हैं आप सभी। ये देखिए सूप तैयार हो गए हमारे 3 से 4 दिन में, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, तैयार हो गए हैं। और ये देखिए हम ऊपर से नीचे तक बहुत ही बढ़िया तैयार हो गए थे। आगे हम आपको वीडियो में ट्राई करके भी दिखाएंगे, ये हमारा हम तो तैयार हो गए हैं। ट्राई करके भी दिखाया है आपको, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और अमेजिंग। आप कहाँ से किस लोकेशन से कमेंट कर रहे हैं, कहाँ से देख